हेलो गाइस, फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। मैं रितिका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी बर्फी की रेसिपी। और आज हम बनाने वाले हैं सेवियाँ की बर्फी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। लास्ट टाइम हमने बनाए थे परवल और साथ में बनाई थी मावे की बर्फी विदाउट मावा, एंड दैट वाज अमेजिंग। आप लोगों ने बहुत सारी मेरे साथ में फोटोग्राफ शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे, और इस बार भी अगर आप इसे रिक्रिएट करें तो प्लीज़ अपनी पिक्स मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं सेवियाँ की बर्फी। और इसे बनाने की शुरुआत हम करेंगे सेवियाँ को भूनने से। तो यहाँ पे कढ़ाई में हमने डाला है एक बड़ा चम्मच देसी घी, और साथ ही हम डालेंगे इसमें आधा कप रोस्टेड सेवियाँ। ये बिल्कुल बारीक वाली सेवियाँ हैं, ये वर्मिसली नहीं है। ये हमने आधा कप ली थी और इनको हाथ से अच्छे से हमने थोड़ा सा चूरा चूरा कर दिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लंबी लंबी आती है, और हमने इन्हें अच्छे से तोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमने इन्हें तकरीबन 2 से 3 मिनट भूना। ये देखिए बहुत अच्छे से भुन गई हैं, इनका कलर चेंज हो गया है, टुवर्ड्स गोल्डन हो गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप दूध। यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल हमें कप से ही करना है, मैंने सब कुछ नाप के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो 1 कप दूध के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप घी, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। घी हम यहाँ पे ज़्यादा इसलिए डालते हैं ताकि बाद में जो मावा बने वो दांतों में चिपके नहीं। ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, घी और दूध का एक अच्छा सा होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। तब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। यहाँ पे हमें 2 कप मिल्क पाउडर डालना है। अगर हम 1 कप दूध लेते हैं तो यहाँ पे हमें 2 कप मिल्क पाउडर डालना होता है, यानी कि रेशियो 1:2 का होता है। और अगर आप चाहें तो इसमें जो घी की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी और बढ़ा भी सकते हैं, लाइक 1/3 कप तक आप कर सकते हैं, और चाहें तो थोड़ी सी घटा भी सकते हैं, जैसे कि 1/4 कप से 1-2 चम्मच कम अगर आप फैट कंटेंट घटाना चाहते हैं। इसमें हम चीनी मिला देते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ 4 चम्मच चीनी डालेंगे, छोटा चम्मच लिया है क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा होता है और ये बर्फी जो है ये हल्की मीठी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। जब हम मिल्क पाउडर दूध में डाल देते हैं उसके बाद फ्लेम को हमेशा लो कर देना चाहिए, क्योंकि मिल्क पाउडर बहुत जल्दी ही कढ़ाई के तले में लगने लगता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई इस्तेमाल करी है, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है काम। ये देखिए इसे हम अच्छे से चलाएंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे चलाते हुए ही पकाएंगे। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पूरा जो मावा है वो एक साथ आने लगा है। इस टाइम पे मैं थोड़ी सी केसर डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा फूड कलर। आप चाहें तो केसर को दूध में भिगो के डाल सकते हैं, बट मैंने बिल्कुल एंड मोमेंट पे डिसाइड किया था, और यहाँ पे मैं उसे बिल्कुल सोक नहीं कर सकती थी, साथ में मावे को कढ़ाई में छोड़ नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने इसमें स्ट्रैंड्स डाल दिए हैं, क्योंकि वो भी थोड़ी देर रख के अच्छा सा फ्लेवर दे देंगे। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे सेवियाँ जो हमने रोस्ट करके रखी थी। सेवियाँ डालने के बाद में आपको बाय द क्लॉक मतलब घड़ी देख के 2 से 3 मिनट पकाना ही है चलाते हुए। इससे सेवियाँ हमारी थोड़ी सी पक जाएंगी, पूरी तरह नहीं पकेंगी, क्योंकि इनमें एक छोटा सा क्रंच बचेगा जो हमें अपनी बर्फी में चाहिए, यही उसे टेक्स्चर देगा। जैसे कि बेसन की सेव वाली बर्फी आती है, ये समवट उसकी आपको याद दिला देगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली उस जैसी होगी, बट हाँ याद दिला देगी। थोड़ा सा मैं इसमें केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इलायची कूट के भी डाल सकते हैं, इलायची या केवड़े का फ्लेवर बर्फी में बहुत अच्छा लगता है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए इस मावे को देख के लग रहा है कि बर्फी बहुत अच्छी जमने वाली है। तो अब हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं एक मोल्ड में, जिसको हमने ऑलरेडी लाइन किया हुआ है इकोबेक से। इकोबेक से लाइन अप करने में ये फायदा होता है कि हमें इसे ग्रीस नहीं करना पड़ता। तो ये देखिए प्रॉपरली लाइंड है, और अब हम इसके ऊपर सारा अपना बर्फी का मटेरियल रख देंगे, और इसको हम हाथ से या फिर किसी कटोरी से बिल्कुल इवन फैला देंगे। ये देखिए यहाँ पे हाथ से फैलाते समय हाथ को थोड़ा सा चिकना कर लीजिएगा, तो मटीरियल बिल्कुल भी हाथ में चिपकेगा नहीं, और आप चाहें तो कटोरी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा मटेरियल अच्छे से फैला दिया है, ऊपर से हम इसे गार्निश करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़े से बादाम डाल रही हूँ, थोड़े से इसके ऊपर मैं पिस्ता डाल दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे चांदी वर्क भी लगा सकते हैं, बट बादाम पिस्ता से सजी ये प्यारी सी सेवई की बर्फी ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। बादाम और पिस्ता डालने के बाद में हम इसे बहुत अच्छी तरह हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से बर्फी पे चिपक जाए। और अब बारी है इसको सेट होने रखने देने की। इसको सेट होने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। अगर जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में रख के सेट कर सकते हैं, और ओवरनाइट रख के इसका टेस्ट बहुत ही ऑसम आता है, मतलब बहुत ही डिफरेंट था टेस्ट। इसलिए मैं प्रिस्क्राइब करूंगी कि आप इसे रक्षाबंधन के लिए बनाएं, तो इसको ओवरनाइट रख दीजिए। तो अब हम इसके पीसेस कट करते हैं, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही अच्छे से इजिली कट होके आ रहे थे, और इनको हम सर्व कर लेते हैं।
ये बर्फी खाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही यूनिक टेस्ट है और साथ में पता नहीं चलता कि इसमें सेवैयां डाल के बनाई गई हैं और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। ये कम मीठे की जल्दी बन जाने वाली बहुत ही अच्छी सी मिठाई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और हाँ, थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। सो गाइस, हमारी बर्फी बन चुकी है और ये टाइम है टेस्ट करने का। ये देख, आज का टेस्ट ना कल से डिफरेंट है, कितनी खुशी आशा है ना। बहुत ही अच्छा है, यम्मी टेस्टी। ये एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें जो एक होता है मिल्क पाउडर की जो बर्फी होती है वो अक्सर चिपकती है दांत में। ये नहीं चिपक रही, ये नहीं चिपक रही है। उसमें वो जो क्रंच आ रहा है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक्स हमारे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लस लाइक ज़रूर कर, नहीं लाइक सब्सक्राइब, नहीं लाइक ये वाला सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। सो गाइस, ये थी हमारी आज की रेसिपी सेवियां की बर्फी। एंड ट्रस्ट मी, इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है। जितनी सिंपल ये लग रही है, जब आप इसे किसी को खिलाएंगे वो बिल्कुल गेस नहीं कर पाएंगे कि किस चीज़ की बनी है। एंड इट्स रियली रियली वेरी टेस्टी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने जो भी फीडबैक हो मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे food4foodies6। तो फिलहाल इस एपिसोड के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे हम अपने कंपाइलेशन वाले लंबे से एपिसोड में। साथ ही सिंगल सिंगल रेसिपीज़ भी मैं रिलीजियसली अपलोड कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही इजीली एक्सेसिबल होंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत हेल्प मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा।